हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। विषय है कि बच्चों का नाम रखते वक्त क्या क्या सावधानी बरतें। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, नाम एक ऐसा विषय है जो जीवन भर हमारे साथ जुड़ा रहता है। एक बार नाम रखने के बाद फिर से उसे बदला नहीं जा सकता। ऐसे में आपको अपने बेबी का नाम रखते वक्त कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नैना और आप देख रहे हैं अच्छा ज्ञान। दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हालांकि नामकरण संस्कार के समय पंडित जी आपको राशि बताते हैं और नाम भी सुझाते हैं, फिर भी हम अपने बेबी के लिए एक बहुत सुंदर और सार्थक नाम की हमेशा तलाश करते रहते हैं। हम अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों की मदद भी लेते हैं और बहुत से नाम सुझाए भी जाते हैं, मगर सुझाए गए हर नाम का एक एक मतलब या फिर अर्थ होता है। कुछ नामों का अर्थ बहुत ही बढ़िया तो कुछ का खराब भी हो सकता है। ऐसे में कोई नया नाम तय करने से पहले हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाम अल्फाबेटिकली ना तो सबसे पहले आता हो और ना ही आखिर में। दोस्तों, अगर आप ऐसा नाम रखते हैं जो अल्फाबेटिकली स्टार्टिंग में आता है तो स्कूल, कॉलेज या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में या कहीं भी ऐसी जगह जहां नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर आपका नंबर आता हो, परेशानी झेलनी पड़ सकती है। जैसे कि स्कूल में एग्ज़ाम के टाइम में समय से पहले पहुंचने का दबाव या फिर क्लास में सिर्फ प्रथम पंक्ति में ही बैठने का दबाव आदि, इस तरह के दबाव की वजह से आपका बच्चा कई बार असुविधा महसूस कर सकता है। नाम बहुत पुराने टाइम का जैसा ना हो। दोस्तों, आपको अपने बच्चे का नाम रखते हुए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे का नाम ज़्यादा पुराना ना हो। नए और ट्रेंडी नाम रखना अच्छी बात है। नाम पुराना होने से बच्चे कई बार इरिटेटेड या फिर लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं या फिर उन्हें कई बार अपने साथी बच्चों से मजाक का पात्र बनने की संभावना रहती है। नाम सार्थक हो, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, नाम रखते वक्त एक बात का खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपके बेबी का आप जो भी नाम रखने वाले हैं उसका अर्थ के बारे में ज़रूर ध्यान रखें। अनेक बार ऐसा हो जाता है कि आप नाम तो रख लेते हैं, स्कूल वगैरह में भी आप वही नाम रजिस्टर कर लेते हैं, मगर बाद में आपको पता चलता है कि आपके बच्चे के नाम का अर्थ तो कुछ और ही है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का नाम रखते समय उस नाम की सार्थकता का भी ध्यान रखिए। नाम रखते वक्त राशि का रखें ध्यान। पंडित जी ने जो राशि आपको बताई है उसके हिसाब से ही नाम रखने चाहिए। राशि के हिसाब से नाम को लेकर हमने इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस पहले ही अपलोड किए हुए हैं, जिनमें हमें बहुत ही चुनिंदा नामों की सूची बना रखी है। आप अपनी राशि के हिसाब से नाम समझने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। नाम इम्प्रेसिव होना चाहिए। दोस्तों, नाम का आपके बच्चों की लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अनेक बार हम लोग किसी का नाम सुनकर ही अपने दिमाग में उसकी छवि बना लेते हैं। ऐसे में यदि नाम इम्प्रेसिव हो तो उसका काफ़ी फर्क पड़ता है। मान लीजिए आपने किसी का नाम पहले सुन रखा है और नाम काफ़ी इम्प्रेसिव है, मगर उसे आप जानते नहीं हैं और आप अभी तक उसे मिले नहीं हैं। ऐसे में जब कभी भी वह व्यक्ति आपसे मिलेगा, आपके दिमाग में जो छवि उसकी बनी है वो सिर्फ उसके नाम की वजह से बनी होगी। आप उसी छवि के कारण उससे बहुत ही गर्मजोशी से मिलेंगे तो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। यही है इम्प्रेसिव नाम का कमाल। दोस्तों, अगर आप भी अपने बेबी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और सार्थक नाम की तलाश में हैं तो ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियोस को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।